आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे हो भाई। आप लोगों के सामने भाइयों आज मॉडल सेट 5 सामाजिक विज्ञान का 40 प्रश्न आप लोगों के सामने लाया गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो भाई लोग जानते हैं उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं वो ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन की जानकारी होगी और परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस आपदा मानव जनित आपदा थी, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का ब्लास्ट किया गया था। दूसरा प्रश्न है, कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन जोन 5। तीसरा प्रश्न, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में जाना जाता है? तो कंटीली झाड़ियों, उपयुक्त आंसर। सर्वाधिक खतरनाक सुखार किस में दिखाई पड़ता है? तो कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण मानवीय संसाधन है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है? केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन प्रायः जिला स्तर पर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की सिफारिश द्वारा की गई थी? उपयुक्त आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। बारहवां प्रश्न है, बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो उस वक्त बोलीविया में पानी की कमी हो गई थी, पानी की कमी की वजह से जनसंघर्ष प्रारंभ हो गया था। 13वां प्रश्न, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग को मालूम होना चाहिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? ग्राम पंचायत। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 12वीं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेजनी ने। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? 18वां प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है, मेटरनिक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न की ओर।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध बना है महानदी पर? अगला प्रश्न, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, काटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में है? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा भूकंप। अगला प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल। कोशी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोशी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमना, इनमें से सभी। उपयुक्त आंसर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट सुनामी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? मुंबई। सोने के जेवरों की शुद्धता के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने के जेवरे या आभूषण की शुद्धता के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। निम्न में कौन औधात्विक खनिज है? अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगला मॉडल सेट 6 फिर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।